क्या कुछ तैयारी दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर? देखिए तस्वीरें साफ आपको दिखा देते हैं कि फिलहाल कुछ टोल गेट्स को बंद किया गया है। हालांकि जो हेल्थ विभाग की टीम है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, वो नहीं पहुंची है। नोएडा पुलिस की टीम यहां पे पहुंच गई है। उम्मीद की जा रही है कि जब पीक आवर्स खत्म हो गए, जैसे ही ऑफिस आवर्स खत्म होंगे यानी 11 बजे के बाद रैंडम सैंपलिंग की शुरुआत हो जाएगी। लोगों को परेशानी ना हो इसका खास ख्याल रखा गया है, और वो ख्याल इस लिहाज से रखा गया कि सुपर स्प्रेडर्स, जी हाँ सुपर स्प्रेडर्स पे नजर रहेगी, जो पार्सल सर्विस देते हैं, कोरियर सर्विस देते हैं, टैक्सी ड्राइवर है, कैब ड्राइवर है, ऑटो रिक्शा के ड्राइवर है, उनके ऊपर रैंडम सैंपलिंग की जाएगी, उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा, ताकि जो दिल्ली से आने वाले ये सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं वो कोरोना उत्तर प्रदेश में और खासतौर पर एनसीआर के नोएडा में ना फैलाए। क्योंकि केंद्र सरकार के आदेश आए कि लॉकडाउन के बाद कोई भी राज्य सरकार ना तो लॉकडाउन लगा सकती है अपनी तरफ से और ना ही राज्य की सीमाएं सील हो सकती है। लिहाजा स्थानीय प्रशासन के पास कोई और विकल्प रह नहीं गया था। दिल्ली में तीसरी वेव देखने को मिल रही है। दिल्ली में लगातार मामले 6000, 7000, 8000 तक पहुंच चुके हैं और मौत का आंकड़ा भी ट्रिपल फिगर यानी 100 के आंकड़े को भी छू चुका है। लिहाजा नोएडा प्रशासन की तरफ से, डीएम सुहास की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि रैंडम सैंपलिंग होगी और जिनकी सैंपलिंग पाई जाती है उन्हें यहीं पर ही उनके चेकअप किया जाएगा, उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। ठीक है राहुल, लेकिन एक अपने आप में एक सवाल बना रहेगा कि अगर दिन में सिर्फ 2 घंटे रैंडम सैंपलिंग की जाती है तो जो मकसद है नोएडा जिला प्रशासन का वो कितना ज्यादा कामयाब हो पाएगा।